उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश अनुसार वंचित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी SN वैभव पांडे के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबूगढ़ पुलिस व SOG प्रथम सर्विलांस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान शातिर अभियुक्त वासिम मोहम्मद उर्फ हीरो पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त वासी मोहम्मद उर्फ हीरो उर्फ सत्तार निवासी ग्राम यशोदा थाना मुंडाली जनपद मेरठ का निवासी बताया जा रहा है, जिसके कब्जे में एक आदत मोटरसाइकिल डिस्कवर, एक तमंचा 315 व खोखा कारतूस व एक मिस कारतूस 315 बोर व लूट के 15,000 बरामद किए है। देखिए, जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एक सक्रिय जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना बाबूगढ़ की पुलिस टीम जो थी, साथ में स्वॉट टीम और सर्विलांस टीम, इनके द्वारा एक शातिर अभियुक्त है वसीम मोहम्मद, जो कि थाना बाबूगढ़ में एक लूट के मुकदमे में वांछित था, उसमें मुठभेड़ के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। ये मेरठ का रहने वाला है। इसके खिलाफ पूर्व में भी और भी कई मुकदमे पंजीकृत थे और ये 25,000 का इनामिया जो इस वक्त हमारे थाने का था। देखिए, इसके साथ एक अवैध असलाह और एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपये से बरामद हुए। ये पूर्व के एक मुकदमे में वांछित था। इसके जो साथी थे वो जेल जा चुके हैं। ये लगातार फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।